हेलो, आज हम प्लस टू का बायो का फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर देखेंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम इसमें कोशिश करेंगे, पहला चैप्टर जो हमने किया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का, वो थोड़ा सा इलेबोरेटेड तो था, बट उसमें अलग अलग से बहुत ज़्यादा कंपाइल्ड फेजेस थे, तो उसको हमने इकट्ठा ही कर दिया। अब ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का, इसमें हम कोशिश करेंगे दो टॉपिक तक कवर करें, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और नेक्स्ट जो है वो अगले दो टॉपिक करेंगे, कोशिश यही करेंगे कि लिमिटेड हो और आपको अच्छे से पता चले। तो स्टार्ट करते हैं हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हम शुरू करेंगे प्लस टू का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेकेंड चैप्टर आइए, फर्स्ट यूनिट का सेकेंड चैप्टर। इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे, और ये जो चैप्टर रहेगा हम कोशिश करेंगे इसको तीन पार्ट्स में कंप्लीट करने का। जो ये हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसको तीन पार्ट में रिकॉर्ड करके ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को। अब आपको नॉर्मली पता है कि जो फ्लावर है, बड़ी ज़्यादा इसकी अलग से एक एस्थेटिक वैल्यू है। कल्चरली अगर हम देखें तो हम कहीं अगर मैरिजेज में जाना है तो वहाँ पे भी फ्लावर का यूज़ करते हैं, कहीं और जगह सोशली ये जो हम बात कर रहे हैं, कहीं भी लेके हम चाहें, कहीं अगर हमें कहीं किसी और जगह पे जाना है, ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ा हमें किसी को ग्रीट करना है, चाहे किसी दूसरी ऐसी जगह पे जाना, तब भी हम फ्लावर का यूज़ करते हैं। तो ये एक बड़े पुराने टाइम से ही फ्लावर को बड़े अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है। और जो ये फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग का एक जो मेन कंसेप्ट है वो एक हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हार्मोन इज फ्लोरिजन, एक हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको बोलते हैं फ्लोरिजन। ये हार्मोन जो है वो फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम बात करते हैं, ये जो फ्लावर है, इट इज बेसिकली ए मॉडिफाइड शूट, स्टेम का ही एक मॉडिफाइड पार्ट है। आपको अगर हम बात करें कि स्टेम में हमने देखा कि स्टेम की ब्रांचेज हैं, स्टेम में लीव्स ग्रो कर रहे हैं, स्टेम में फिर फ्रूट, तो इसके बाद की बात है जी। तो स्टेम का ही एक मॉडिफिकेशन है जिसको हम बोलते हैं शूट मॉडिफिकेशन। वो मॉडिफिकेशन जो है वो अलग अलग पार्ट्स को एराइज करवाता है। यहाँ पे स्टेम के आपने मेजर पार्ट जो है वो, उसमें अगर स्टेम को कैटेगराइज करना है हमें रूट और स्टेम में, तो वहाँ पे नोड्स और इंटरनोड्स रहती है। तो इसमें भी उसी तरह से एक नोड पार्ट ये रहता है, ये जो एक पार्ट रहता है ये नोड पार्ट रहता है, और नोड पार्ट से ये कुछ मॉडिफाई होके पार्ट्स बनते हैं। जैसे केलेक्स की बात करेंगे, कोरोला की बात करेंगे, एंड्रोशियम की बात करेंगे, और ये गाइनेशियम की बात करेंगे। ये जो पार्ट्स हैं ये नोड से अराइज कर रहे हैं, नोड से निकल रहे हैं। और एंड्रोशियम इज अ मेल पार्ट, ये जो पार्ट है जैसे इसका ये पूरा अंदर पार्ट, एंड दिस पार्ट इज नोन एज फिलामेंट, ये इसकी फिलामेंट है, तो ये एक मेल पार्ट बनाता है, इसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। और दूसरा पार्ट ये गाइनोशियम, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, विच वी आर सम ओव्यूल्स, जिसमें कुछ ओव्यूल्स भी होते हैं। एंड केलेक्स, ये लीफ ज़्यादातर आपने देखा होगा, हरी सी पत्तियाँ जैसी दिखती हैं, ग्रीन सी लीफ जैसी कहीं दिखती हैं, उनको हम केलेक्स बोलते हैं। और जितने भी कलर्ड पार्ट होते हैं उनको हम कोरोला बोलते हैं। केलेक्स को हम सेपल्स भी बोलते हैं, केलेक्स को सेपल्स भी बोलते हैं, कोरोला को पेटल्स भी बोलते हैं। और कई बार इनके कलर्स में डिस्टिंग्विशनेस नहीं होती, मतलब कलर्स में पता नहीं चलता कि ये केलेक्स है कोरोला, तो तब हम एक टर्म यूज करते हैं पेरियंथ, तब हम एक टर्म यूज कर देते हैं पेरियंथ। तो इनका जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं कि ये दे आर अरेंज्ड इन वर्ल्स, कतार 1 2 3 4, फर्स्ट इज केलेक्स, सेकंड
सेकेंड इज कोरोला, देन थर्ड इज एंड्रोशियम एंड फोर्थ इज गाइनेशियम. ये चार वर्ल्ड है जो फ्लावर में होती है. एंड दिस होल फ्लावर इज नोन एज रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है. अब और इसका जो ये हमने बेस सा दिखा रखा है, थोड़ा स्वोलन सा फूला हुआ, दैट इज नोन एज, दैट इज ऑल्सो अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द दिस शूट इज नोन एज थैलेमस. इसको थैलेमस बोलते हैं. और इसके नीचे एक हल्की सी डंडी जैसी होती है जिसको हम फूल की ही डंडी बोलते हैं, पेडिसल. इसको क्या बोलते हैं? पेडिसल बोलते हैं. तो जो थोड़ा बेसिक सा आइडिया है फ्लावर के बारे में थोड़ा सा आपको लग गया होगा. एक बार रिकैप कर लेते हैं. फ्लावर में चार वर्ल्ड हैं. फर्स्ट इज केलेक्स, सेकेंड इज कोरोला, थर्ड इज एंड्रोशियम एंड फोर्थ इज गाइनेशियम. ये चार पार्ट हो गए. एंड एक स्वर्ण सा पार्ट है विच इज नोन एज थैलेमस, आल्सो मॉडिफाइड पार्ट ऑफ दिस स्टेम एंड पेडिसल. ये सारे फ्लावर के पार्ट हैं. अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे मेल पार्ट की. द मेल पार्ट इज एंड्रोशियम एंड ऑल्सो नोन एज स्टेमन. इसको क्या बोलते हैं? इसको हम स्टेमन भी बोलते हैं. एंड्रोशियम को स्टेमन भी बोलते हैं. वैसे ही गाइनेशियम को हम पिस्टल भी बोलते हैं. गाइनेशियम को हम पिस्टल भी बोलते हैं. अब हम बात करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ, ये तो पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया. अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम या स्टेमन, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन. यहां पे ये जो लोब जैसे मैंने दिखा रखे हैं आपको, ये लोब है, ये दो लोब है ये. और लॉन्गिट्यूडनल लाइन सी एक रिज सी इस पे दिखती है जो इसको ज्वाइन करवाती है. थीका, इनको हम बोलते हैं थीका. और एक इसमें इस तरह से अरेंजमेंट रहता है, ये ऐसे, और जो दो सामने नहीं दिखते हैं, क्वाड्री लोब्स, मतलब चार लोब्स होते हैं. एक में दो लोब्स और दो में चार लोब्स. तो इनके हो गए इस तरह से. अगर हम सेक्शन कटिंग करेंगे इसकी एंथर की, ये क्या है? ये है फिलामेंट. फिलामेंट सिलेंड्रिकल है जो इसको कैरी करके ऊपर ले जाती है. किसको? एंथर्स को. एंथर्स क्या है? एंथर्स बाइलोब्ड हैं. और जब यहाँ ये कनेक्टेड है उसको हम थीका बोल रहे हैं. और एक लोब में एक कनेक्शन है तो सिंगल थीका. एंड दोनों लोब्स में जो एक एक लोब इसके पीछे भी है तो ये बन गए चार लोब्स, डाइथीकस. इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डाइथीकस. अब इस एंथर को हम ऐसे ट्रांसवर सेक्शन करेंगे. जैसे मान लेते हैं कि हम कोई सैलेड कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो ऐसा सेक्शन कटेंगे. ऐसा सेक्शन जब कटेगा तो ऐसा दिखेगा. ये ऐसा देखो, ये पीछे वाला लोब दिखा, ये जिसमें दो इस तरह से पार्ट है, और ये आगे वाला लोब दिखा जिसमें इस तरह से, तो चार, एक दो, ये पीछे वाला तीन चार. तो इसमें क्या है? एक तो ये जो एंथर है टेट्रागोनल है. टेट्रागोनल का मतलब चार कॉर्नर्स हैं इसमें. ये वन टू थ्री फोर, चार इसमें कॉर्नर्स हैं. सभी में एक एक माइक्रो स्परेंजियम है और ये मिलके सारा माइक्रो स्परेंजिया बना देते हैं. और इनको हम पोलन सैक्स भी बोलते हैं. माइक्रो स्परेंजिया को, माइक्रो स्परेंजियम को पोलन सैक्स भी बोलते हैं. ये हम यहाँ पे दिखा रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल जो इसकी लाइनिंग है, ऐसी जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग से निकलते हुए ये जब मैच्योर होके, ये जो रेड कलर के मैंने दिखा रखे हैं, ये पोलन दिखा रखे हैं कि मैच्योर होने के बाद जब रप्चर करते हैं तो ये टूट के ऐसे लाइन वाइज लॉन्गिट्यूडनली निकल रहे हैं. इनकी रप्चरिंग के लिए एक टर्म यूज करते हैं, इस लाइन को बोलते हैं डेहिसेंस. क्या बोलते हैं इसको? डेहिसेंस. डेहिसेंस का मतलब होता है टूटना, फटना, जब ये मैच्योर होते हैं तब. तो ये एक बाइलोब स्ट्रक्चर है. थीका की हमने बात करी, डाइथीकस इसमें है. ये चार लोब दिखते हैं, क्वाड्री पार्ट इसको हम बोलते हैं, टेट्रागोनल है.
एक दो तीन चार, और चार माइक्रोस्पोरेंजियम इसके अंदर है, और ये टोटल कंप्लीट इसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोल देते हैं। सभी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और सिंथेसिस ऑफ पोलन ग्रेन्स इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इन्हीं को हम माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं। ये इसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाने की हमने कोशिश की है। टेट्रागोनल बाइलोब्ड, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर्स को ही पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, एंड दे आर ऑल्सो नेम्ड एज, उन्हीं को ही हम पोलन सैक्स भी बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा पता लग गया होगा। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया थे इनको आपने देख लिया, ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया को ही हम पोलन सैक्स बोल रहे हैं, इन्हीं के अंदर पोलन्स बनते हैं, पोलन्स का फॉर्मेशन होता है। अब इस पार्ट को आगे इलेबोरेट करके थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। फ्लावर की हमने डिस्कशन करी और फ्लावर के पार्ट्स भी हमने बोर्ड पे देखे। मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा इसका पार्ट, वैसे आपने देखे होंगे तो एक प्रैक्टिकली भी हल्का सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक फ्लावर है नॉर्मली पेटूनिया का, मेरे गमले में ही लगा हुआ था, तो उसमें मैंने ये लिया हुआ है इसको। ये है कैलेक्सिस, ये इनको कैलेक्सिस बोलते हैं, ये एक दो तीन चार पाँच, और ये ट्यूब की तरह इसकी शेप बनी है। ये करोला है सारा, ये जो कलर है इसका सारा करोला इस तरह से ही कलर होते हैं। इसके अंदर वाला पार्ट जो है वो आपको दिखाता हूँ, जो वहाँ डायग्राम में हमने दिखा रखा था, एंड्रोशियम थे, और एंड्रोशियम के साथ साथ गाइनेशियम पार्ट भी था। तो ये जो पार्ट है ये है एंड्रोशियम, ये एक दो तीन चार पाँच इस तरह से, क्लियर। ये है एंथर और ये इसकी डंडी जैसी फिलामेंट, ये है एंड्रोशियम, और ये गाइनेशियम का स्टिग्मा स्टाइल, और इसके नीचे अगर हम जरा सा इसको नीचे तक तोड़ देंगे तो नीचे जाके इसका पार्ट नजर आएगा हमें, गाइनेशियम के नीचे एंड्रोशियम के साथ साथ अगर हम पार्ट दिखाने की कोशिश करेंगे, ये ये है इसका ओवरी वाला पार्ट, छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी, और इसी के साथ हम ये देख रहे थे एंड्रोशियम में एंथर्स और ये फिलामेंट जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और एंथ्री यहाँ पे तो इतने अच्छे नहीं दिखते माइक्रोस्कोपिकली, अगर देखें तो ये बहुत अच्छे डायसेक्टिव माइक्रोस्कोप में इनको हम देखते हैं तो वहाँ पे अच्छे दिखते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप भी नहीं देख पाते क्योंकि वहाँ से लाइट पास नहीं होती। अब इसके साथ हम नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, जो हम पार्ट की डिस्कशन कर रहे थे एंड्रोशियम की, एंड्रोशियम जो मेन पार्ट था उसी की हम डिस्कशन कर रहे थे। तो अब एंड्रोशियम का जो मैंने आपको पार्ट फोकस किया था, एंथर जो फिलामेंट ने कैरी करके रखा हुआ था ऊपर, और उस एंथर को हमने जब ट्रांसफर सेक्शन किया, वो ट्रांसफर सेक्शन जो था उसका मैंने आपको पीछे एक डायग्राम भी दिखाया था थ्री डायमेंशनल सा, वही स्ट्रक्चर ये एक हमने स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की है उसी एंथर को। ये आउटरमोस्ट लेयर, ये बीच वाली लेयर, उसके अंदर वाली लेयर। इस आउटरमोस्ट लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, ये जो बीच वाली लेयर है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हमने एंडोथीसियम कहा, सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, उससे अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेयर्स कुछ दिखती हैं बीच में, उस एरिया को बोलते हैं मिडल लेयर, मिडल लेयर्स एंडोथीसियम, सबसे बाहर एपिडर्मिस, और ये जो लेयर यहाँ पे दिखती है इसको बोलते हैं टपेटम, और इसके अंदर कुछ सेल्स दिखते हैं वो आपको इलेबोरेट करके जैसे हाई पावर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कैसे देखेंगे, उसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, और ये इसका कनेक्टिव टिश्यू है। ये सब एक दो तीन चार, ये सारे के सारे माइक्रोस्पोरेंजिया, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर जिसकी हमने बात करी थी, ये पूरा ट्रांसफर सेक्शन है, सिंपल था। अब इसी को क्या किया हमने, हाई पावर माइक्रोस्कोप में रखा, अब इतना अगर एरिया हमने फोकस करने की कोशिश की, ये जो मैं लाइन लगा रखी है ये यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया लिया मैंने, और उसको
हाई पावर माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश की तो ये एरिया ये है सर। किसकी बात कर रहे हैं हम? माइक्रो स्पोरेंजियम की। पूरे एंथर में बाहर से लेके अंदर तक माइक्रोस्पोरेंजियम तक की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, ये सिंगल लेयर। सेकंड लेयर ये जो ब्लू दिखा रखी है मैंने, इसको एंडोथीसियम बोलते हैं। सबसे पहली लेयर एपिडर्मिस, सेकंड लेयर एंडोथीसियम, थर्ड लेयर देखो कम से कम दो लेयर्स है मैंने रेड रेड कलर से, एक दो ही सेल्स की लेयर। इन लेयर्स को बोलते हैं मिडल लेयर। क्या बोलते हैं इनको? मिडल लेयर्स बोलते हैं। और मिडल लेयर के अंदर ये वाला जो एरिया ये आ गया, ये जो ब्लैक से कलर से मैंने दिखा रखे लार्ज साइज के सेल्स हैं, इनको बोलते हैं टपेटम। क्या बोलते हैं इनको? टपेटम बोलते हैं, टपेटल लेयर भी बोलते हैं। और इसके अंदर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हमने दिखा रखे हैं, इन सब सेल्स को स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। इनमें से ही कुछ सेल्स क्या एक्ट करते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इस तरह से MMC। और सारे न्यूक्लियेटेड, ये भी न्यूक्लियेटेड होते हैं बट ये थोड़ा प्रोमिनेंट दिखाने की मैंने आपको कोशिश की है। अब क्या होता है, हमें यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर डिस्कस करना था। माइक्रोस्पोरेंजियम की डिस्कशन में हमने देखा कि सबसे बाहर एपिडर्मिस है। ये सारी की सारी जो लेयर्स हैं, लगभग तीन लेयर मेन आती है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडल लेयर। एपिडर्मिस ये एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के बाद मिडल लेयर्स। ये तीनों की तीनों लेयर्स क्या है? प्रोटेक्टिव है, फॉरवर्ड। ये जो सारा का सारा, ये टपेटम भी, ये सारा का सारा स्पोरोजिनस टिश्यू, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये माइक्रोस्पोर्स बनने का काम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ माइक्रोस्पोर्स, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। अब माइक्रोस्पोर्स बनने हैं हमें ये पता है, तो माइक्रोस्पोर को बनने के लिए और इस पूरे एरिया को प्रोटेक्शन चाहिए थी, तो ये क्या आ गई? ये सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स आ गई। और जो टपेटम लेयर यहाँ पे है वो स्पेशली कैसी लेयर है? इट प्रोवाइड द नरिशमेंट फॉर द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। जो माइक्रोस्पोर्स यहाँ पे बनेंगे उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी नरिशमेंट के लिए रोल प्ले कौन करेगा? टपेटम रोल प्ले करेगा। टपेटम इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ये इसी माइक्रोस्पोरेंजिया का एनलार्ज्ड स्ट्रक्चर आ गया। मुझे लग रहा है कि आपको पता चल रहा होगा, ये बाहर की लेयर, फिर उसके अंदर की लेयर एंडोथीसियम, फिर उसके अंदर की डबल सेल्ड थिक लेयर, ये एक सेल की ये वाली, दूसरी सेल ये वाली, उसके बाद फिर ये मोटे से बड़े से क्यूब लाइक सेल्स मैंने दिखा रखे हैं, ये हैं टपेटम के सेल्स। और उनके अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स, मास ऑफ सेल्स है स्पोरोजिनस टिश्यू। इनमें ही कुछ सेल्स एक्ट करते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, इसके फिर हम आके डिस्कशन इसके बारे में करते हैं। अब एक बात और होगा क्या, जब माइक्रोस्पोर्स बनेंगे उनका सिंथेसिस तो होगा, उनको वो निकलेंगे कब? व्हेन द, हमने वहां पहले स्ट्रक्चर में भी देखा था, जब मैंने आपको एक स्ट्रक्चर शुरू में ये दिखा रखा था, ऐसा ऐसा ऐसा, वहाँ पे ये इस तरह से मैंने ये दिखाया था आपको, जब ये इस तरह से ये थे स्ट्रक्चर, तो ये जो साइड थी ये यहाँ इन साइडों से ना, ये जो माइक्रोस्पोर्स दिखा रखे, ये जो पोलन ग्रेन थे हमने ऐसे निकलते हुए दिखा रखे थे, थोड़ा पहले स्ट्रक्चर पे फोकस करें तो ऐसे, इसका मतलब यहाँ यहाँ बने, यहाँ से निकलने में हेल्प होती है, जो लॉन्गिट्यूडनल रिज जैसी होती है तो वहाँ से निकलते हैं। वही ये वही वाला एरिया हमने ये ले रखा है, इसका मतलब यहाँ जैसे कैसे ये रप्चर करते हैं, एक्चुअली जैसे ही यहाँ पे ये टर्न करता है तो सेल्स भी थिन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, और डिहाइड्रेशन यहाँ पे होती है, डिहाइड्रेट कर जाते हैं सेल्स। डिहाइड्रेट का मतलब पानी यहाँ से चला जाता है, जैसे हल्की सी में छोटी की तरफ जाते हैं, और पानी यहाँ से निकलने के बाद दे गो ड्राई अप, सूख जाते हैं एंड रप्चर, फट जाते हैं वो। और फटने के बाद ये हमने माइक्रोस्कोप दिखा रखे हैं जो बने हैं, पोलन ग्रेन्स ही बोलते हैं इनको भी, ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से निकलते हुए बाहर दिखा रखे हैं, यहाँ से, यहाँ से। और जो माइक्रोस्पोर है
जो पोलन ग्रेन है एक माइक्रोस्पोर मदर सेल किस तरह से डिवाइड करता है और कैसे वो एक माइक्रोस्पोर को बनाने में हेल्प करता है, ये हल्का सा यहाँ डायग्रामेटिकली मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये यहाँ से लिया हमने, स्पोरोजिनस टिश्यू में ही कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल थे। ये दिस सेल अंडरगो मियोसिस वन, कौन सी डिवीजन के लिए जाएगा, ये मियोसिस के लिए जाएगा और न्यूक्लियस विल डिवाइड इनटू टू, दो पार्ट में डिवाइड कर जाएगा न्यूक्लियस। क्लियर लग रहा है पता? इसके बाद इट विल गो फॉर मियोसिस टू, ये मियोसिस टू के लिए जाएगा और ये चार न्यूक्लियस बन गए, 1, 2, 3 एंड 4। और ये होगी स्टेज टेट्रड, कौन सी स्टेज होगी, टेट्रड। और इसी को हमने थोड़ा एनलार्ज करके बता दिया, दिस इज नोन एज माइक्रोस्पोर टेट्रड। ये माइक्रोस्पोर टेट्रड बन गए, ये बने माइक्रोस्पोर्स एंड देन दे गोट सेपरेट आउट और ये फिर अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं, जैसे हमने यहाँ से दिखाया था, तो ये टेट्रड से फिर सिंगल सिंगल माइक्रोस्पोर होने के बाद निकलते चलते हैं यहाँ से। आई होप कि आपको यहाँ तक पता लग गया होगा, ये हमारा प्रोसेस आ गया, माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एज वेल एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का बनने का तरीका भी हमने देख लिया कि किस तरह से माइक्रोस्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर बनने के लिए ये वो जगह होती है जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, ये और इसके बाहर के सेल्स, बाहर के प्रोटेक्टिव लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स, ये सब प्रोटेक्टिव होती है। अगर एक नहीं है तो एक ही होगी, अगर ये भी सिंगल नहीं है तो लगभग सिंगल ही होगी, उसके बाद दो या तीन लेयर्स रहती है, कौन सी, मिडल लेयर्स। ये सारी की सारी लेयर्स प्रोटेक्शन का काम करती हैं, किसको, ये जो हमने टपेटम की लेयर बनाई है ये, और इसके अंदर सारा स्पोरोजिनस टिश्यू। और टपेटम जो है वो क्या करता है, इनके बनने को, ये जो माइक्रोस्पोर टेट्रड बन गया यहाँ तक के बनने में हेल्प करता है और इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ताकि ये बन पाए। और इनमें से कुछ सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल का रोल प्ले करते हैं और माइक्रोस्पोर मदर सेल गो फॉर फर्स्ट डिवीजन मियोसिस वन, ये रिडक्शन डिवीजन होती है, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, दो निकले बन गई। उसके बाद टू के लिए जाता है तो वो माइटोसिस की तरह ही होती है, जो भी प्लस वन में आपने थोड़ा ये कंसेप्ट पढ़ा तो एकदम से आपको क्लियर होगा। तो ये चार माइक्रोस्पोर्स बन गए और इस स्टेज को बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्रड। ये चार की स्टेज में होने के बाद फिर बाद में सेपरेट होते हैं, सिंगल सिंगल बन के निकल जाते हैं और मैच्योर होने के बाद ये माइक्रोस्पोरेंजिया से किस तरह से निकलते हैं ये आपको पता लग गया। ये डिहाइड्रेट होने के बाद, ड्राई अप होने के बाद सूख जाते हैं जब, तो दे गोट रप्चर, रप्चरिंग करने में फट जाते हैं, जिसको हम क्या टर्म देते हैं, डेहिसेंस, क्या बोलते हैं इसको, डेहिस करना मतलब फटना, रप्चर करना, इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं डेहिसेंस, क्या बोलते हैं इसको, डेहिसेंस। ये जो रप्चरिंग है इसके लिए टर्म यूज करते हैं और खासकर ये लोंगिट्यूडनल लंबाई में ये फटते हैं और निकलते चलते हैं, हजारों की नंबर में ये बनते हैं, थाउजेंड्स के नंबर में बनते हैं। यहां तक पता लग गया, नाउ वी डिस्कस इट्स नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हम देख रहे थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, हम अभी देख रहे थे कि माइक्रोस्पोर्स किस तरह से बनते हैं। आपने देखा कि माइक्रोस्पोर्स का जो लास्ट पार्ट था वो था माइक्रोस्पोर टेट्रड, ये देखा था आपने इस तरह से, वो हमने दिखा है माइक्रोस्पोर्स वर इन टेट्रड फॉर्म और वो टेट्रड होने के बाद दे गोट सेपरेट आउट, उसके बाद वो सेपरेट हो जाते हैं और इंडिविजुअल सिंगल सिंगल आ जाते हैं इस तरह से, ऐसे ऐसे सिंगल सिंगल फॉर्म है। और ये जो डेवलपमेंट हुई इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, ये डेवलपमेंट हमने देखी, थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स हमने देखे कि वहाँ से बन के निकल रहे थे, रिलीज हो रहे थे, उनकी रिलीज को हमने एक टर्म बताई कि डेहिसेंस होती है, एंथर्स में जो रप्चरिंग होती है, जो फटते हैं उसको डेहिसेंस बोलते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू से वो किस तरह से वो चेंज हुए, स्पोरोजिनस टिश्यू में वो पोलन मदर सेल थे, वहाँ पे सेल्स थे विच गो फॉर डिविजन्स, वो हमने पीछे दिखाया, मियोसिस वन थी, मियोसिस टू थी, दे फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्रड, ये एंड देन दीज आर नोन एज पोलन ग्रेन्स, इनको हमने पोलन ग्रेन्स बोला। और
दे आर ऑल्सो नोन एज मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं इनको। पोलन ग्रेन्स को हम क्या बोल देते हैं, मेल गैमेटोफाइट भी बोल देते हैं, क्योंकि यही कंटेन करते हैं मेल गैमेट्स को, यही कंटेन करके चलते हैं। अब हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर, इसकी हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो स्ट्रक्चरली जब हम देख रहे हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर है और ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, अलग 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 स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट की शेप्स रहती है। ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन कंटेन द न्यूक्लियस। अब इसके अंदर क्या चेंजेस आती जा रही है, वो चेंजेस क्या है, ये न्यूक्लियस इज लाइन टूवर्ड्स वन साइड, एक साइड को न्यूक्लियस हो गया और डेवलपमेंट ऑफ क्या वैक्यूल्स, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस या मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे और इसकी डेवलपमेंट में इसको फर्दर डिवाइड करने में हेल्प करेंगे, इट प्रोवाइड द नरिशमेंट फॉर दिस न्यूक्लियस टू डिवाइड, जब डिविजन के लिए जाएगा तो। और लगभग इनका जो साइज है वो 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक अप्रोक्सीमेटली ये रेंज होती है इनके साइज की, किसकी, माइक्रोस्पोर्स, पोलन ग्रेन्स की। डेवलपमेंट ऑफ वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस इज लाइन टूवर्ड वन साइड एंड इट इज गोइंग फॉर द डिविजन। अब ये माइटोटिक डिवीजन के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे जो डिवीजन हो रही है वो इस मैट्रिक्स डिवीजन है, थोड़ी डिवीजन वो इक्वली नहीं है, ये जो वैक्यूल्स हैं दे गॉट एंड लार्ज साइज मर्ज कर रहे हैं और बड़ा साइज एक्वायर कर रहे हैं, दिस होल इज नोन एज साइटोप्लाज्म, काफ़ी सारा साइटोप्लाज्म इसके अंदर है, और ये इस मैट्रिक डिवीजन यहाँ हो रही है, तो बराबर से डिवीजन हम नहीं बोल सकते हैं। इस डिवीजन के बाद इट फॉर्म्स टू सेल्ड स्टेज, ये जो माइक्रोस्पोर है, ये जो पोलन ग्रेन है, क्या करता है, टू सेल्ड स्टेज बना देता है इसको, मतलब एक सेल आपको दिख रहा है, ये काफी बड़ा सेल, दिस इज नोन एज वेजिटेटिव सेल, अनइक्वल डिवीजन ऑफ द सेल एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियाई भी थोड़ी चेंज्ड है, और दूसरा स्मॉल साइज सेल विच इज नोन एज जनरेटिव सेल एंड वन इज वेजिटेटिव सेल। क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, जब वेजिटेटिव सेल हम बना रहे हैं यहाँ पे, तो वैक्यूल्स का नंबर भी है यहाँ पे, नंबर ऑफ वैक्यूल्स ज़्यादा है, डेंस साइटोप्लाज्म है एंड काफ़ी ज़्यादा साइटोप्लाज्म है, द कंटेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज मोर एंड इररेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस, इररेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की शेप इररेगुलर है, रेगुलर नहीं। दूसरा ये देखो ओवल शेप जनरेटिव सेल की एंड न्यूक्लियस इज ऑल्सो ओवल शेप्ड, कंटेन्स स्मॉल डेंस साइटोप्लाज्म, ये दो सेल्ड स्टेज हैं। होता क्या है, हमारे पास जो जब भी ये माइक्रोस्पोर्स शेड ओवर होते हैं, जब गिरते हैं, तो मोस्टली क्या स्टेज रहती है इनकी, कितनी, टू सेल्ड स्टेज रहती है। एक हमने केस यहाँ पे लिया है, टू सेल्ड स्टेज होती है ज़्यादातर बोलता, और जैसे ज्वार, ज्वार बाजरा की अगर हम बात करें, तो उसमें क्या होता है कि ये जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म टू मेल गैमेटिंग ग्रेन। यहाँ पे अगर हम बात करें किस में, अगर हम ये बात कर रहे थे वेजिटेटिव सेल की और ये हम बात कर रहे थे जनरेटिव सेल की, तो ये डिवाइड करेगा और क्या कर देगा, ये दो न्यूक्लियाई बना देगा, इसको बोलते हैं मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई, मींस मेल गैमेट बना लेगा, ये दो मेल गैमेट कौन बनाएगा, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल को फॉर डिवीजन। अब कुछ एक स्टेजेस में ये थ्री सेल्ड स्टेज होती है, जब ये शेड ओवर होते हैं, लगभग क्या होता है 60% के अप्रोक्सीमेटली जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें टू सेल्ड स्टेज में ही ये पोलन ग्रेन्स गिरते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कम्पिटिटिवली भी, कहीं भी आपने ध्यान रखना जब भी आप देखो तो, कि भाई कितने परसेंट या ऐसे कितने प्लांट्स हैं जिनमें टू सेल्ड स्टेज में ही गिरते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि टू सेल्ड स्टेज में ही माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन सेड ओवर होते हैं लगभग 60% एंजियोस्पर्म्स, और उनको छोड़ के बाकी के केसेस में थ्री सेल्ड स्टेज में ही ये गिरते हैं, सेड ओवर होते हैं, बिकॉज वहाँ पे पहले ही जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड कर चुका होता है, ये बात। और
अब इसके अगर हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे, तो ये मैंने माइक्रोस्पोर का ही स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। ये जो माइक्रोस्पोर है इसकी आउटर और इनर दो वॉल्स हैं, कवरिंग्स हैं। ये इस आउटर कवरिंग को बोलते हैं एक्साइन, क्या बोलते हैं इसको, ये जो मैंने मोटी सी दिखा रखी है ये क्या है, इसको बोलते हैं एक्साइन। एंड दिस एक्साइन इज थिक कवरिंग एंड हैव सम पोर्स रप्चर्ड समवेयर। ये कहीं कहीं ये रप्चर्ड है, इसको बोलते हैं जर्म पोर, क्या बोलते हैं इनको, इन एरियाज को क्या बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो ये जो खाली एरियाज हैं ये क्या है, जर्म पोर। ये आपने ध्यान देना, ये जो खाली जगह है इनको क्या बोलते हैं, जर्म पोर। एक्साइंस आर कंपोज ऑफ स्पोरोपोलिन, यहाँ पे भी कहीं लिखा होगा, कोई बात नहीं यहाँ लिख देता हूँ, स्पोरो पोलिन। ये क्या है, दिस इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक रिच कंपाउंड है ये, जिन पे किसी भी एंजाइम का, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अलावा जो बेसिस हैं, अल्कलीज हैं, उनका कोई, और हाई टेम्परेचर, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब ये किसी भी कंडीशन में कहीं भी गिर जाए सर्वाइवल होती है इनकी, मतलब काफ़ी टाइम तक। ये डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज की कितनी इनकी बायबिलिटी है, उतने टाइम तक ये सर्वाइव कर जाते हैं। इनको डिस्ट्रॉय होने से बचाने वाला कौन है, स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन फॉर्म्स द एक्साइन। और कहाँ पे एक्साइन, ऐसी कौन सी जगहें हैं जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, जहाँ पे ये खाली जगह है, जहाँ पे ये जर्म पोर है, यहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। ये आपने ध्यान रखना है, वेयर स्पोरोपोलिन लैक्स, कहाँ पे नहीं होता है, तो जो एरियाज पोर्स होते हैं, जहाँ पे एक्साइन लैक करती है, जहाँ पे एक्साइन कंप्लीट नहीं होती, जहाँ पे वो छूट गई होती है, तो उस जगह पे स्पोरोपोलिन नहीं होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई एडवांटेज तो होता होगा, हाँ, जर्म पोर्स के थ्रू पोलर ट्यूब निकलती है। क्या निकलता है, जर्म पोर्स के थ्रू पोलर ट्यूब बाहर निकलने में हेल्प करता है। और इसके अंदर वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं इनटाइल, क्या बोलते हैं इसको, जो अंदर वाली लेयर है, अगर हम इसको ये अगर बाहर वाली मान लेते हैं तो ये अंदर वाली जो लेयर है इसको बोलेंगे इनटाइल। और इनटाइल जो है वो पेक्टेट्स और इनके कैल्शियम और इनसे ये बनती है, किनसे, सेलुलोज और पेक्टिन से बनती है, किससे, इनटाइल जो है वो दैट इज फॉर्म्ड ऑफ पेक्टिन्स एंड सेलुलोज और पेक्टिन से बनती है। और इट आल्सो प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द इनटाइल, इनटाइल को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और जो ये इनकी एक और खास बात है, ये कुछ अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करें तो डिसऑर्डर्स भी करते हैं, कुछ लोगों में ये डिसऑर्डर्स क्रिएट करते हैं, कौन, ये पोलन ग्रेन्स। हम बोल देते हैं कि जी किसी इंसान को एलर्जी है ड्यू टू पोलन्स, ये डिसऑर्डर्स कर देते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, तो रेस्पिरेटरी एस्थमेटिक एक प्रॉब्लम है जो इन्हीं की वजह से होती है। तो और ब्रोंकाइटिस है, मतलब लंग्स में जो हमारी ये सारी अंदर की डिविजन्स हैं, पाइप्स, छोटी 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 नाली हैं, उनको ब्रोंकाई में इन्फेक्शन होता है इनकी वजह से, उसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। और कुछ ऐसी पार्थिनियम कैरेट ग्रास है एक, जिसको कैरेट ग्रास बीड है ये, इसको बोलते हैं पार्थिनियम भी क्या करती है, इसकी जो फ्लावरिंग है, इसके जो ये पोलन्स हैं ये काफ़ी सारा गिराते हैं, इनसे भी एक एलर्जी रहती है स्किन की, या इस तरह की एलर्जी रहती है। और इनको छोड़ के इकोनॉमिकली भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें, इसकी एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, वो क्या है, रिच इन द न्यूट्रिएंट्स, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट में रहते हैं, विच हेल्प टू फॉर्म द पोलन टेबलेट्स। क्या बनाते हैं ये पोलन, दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, दे फॉर्म द पोलन टेबलेट्स एज वेल एज सिरप्स, पोलन टेबलेट भी बनाते हैं और सिरप भी बनाते हैं, विच आर यूज फॉर द जो हॉर्स रेसर्स हैं वो, और स्टेमिना बढ़ाने के लिए उनमें यूज किया जाता है। तो इस तरह से पोलन ग्रेन की एक अपनी स्पेशलिटी भी है। और ये एक स्ट्रक्चर मैंने दिखा रखा है, ये इसका इस तरह से रफ सा स्ट्रक्चर है, और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के ये माइक्रोस्पोर्स होते हैं, पोलन्स की अपनी अपनी शेप्स रहती हैं।
आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर या स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन अच्छे से समझ आ गया होगा, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन। और कहीं अगर आपको लगता है कहीं अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, बेहिचक आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो, दैट इज फीमेल पार्ट, दैट इज गाइनोशियम पिस्टिल, वो हम डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।